नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, यूपी कैडेट 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है। तो इसी क्रम में आपको हम जो है बात कराने वाले हैं, आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने यूपी कैडेट 2022 में अच्छी रैंक अचीव की है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कितनी रैंक इनकी है। इन्होंने बेसिकली ये जो तैयारी करते हैं वो GRF हॉर्टिकल्चर की करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो GRF की डिफरेंट स्ट्रीमों से तैयारी करते हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, पैथोलॉजी है, डिफरेंट स्ट्रीम से तैयारी करते हैं। इसी तरह इन्होंने भी GRF हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरीके से, बट इन्होंने इसके साथ ही साथ यूपी कैडेट की भी तैयारी की है। तो इन्होंने कौन कौन सी बुकें फॉलो की हैं और उनकी रणनीति क्या रही है उसके इन्हीं के द्वारा सुनते हैं कैसे इन्होंने तैयारी की। सर, आप पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आए। तो आप कहिए कि आपने कैसे कैसे तैयारी की है, या अपने सेल्फ स्टडी की है, या कोई कोचिंग ज्वाइन की है, और आपने कैसे जो है GRF के साथ साथ यूपी कैडेट की तैयारी करते थे, कैसे आपने जो है टाइम निकाला है, कैसे कितने घंटे GRF को देते थे, कितने घंटे आप उसको यूपी कैडेट को देते थे, तो आप बताइए सर हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले मैं अनुज को थैंक यू करना चाहूँगा। अनुज जी ने आपने अपने यूट्यूब चैनल पर हमको अपने स्ट्रेटजी को शेयर करने के लिए मौका दिया। तो मैं कैसे GRF की प्रिपरेशन करते हुए कैसे एग्रीकल्चर यूपी कैडेट का मैंने तैयारी किया, तो दोस्तों आपको ये बता दिए हैं, हमने हॉर्टिकल्चर GRF का स्टूडेंट हूँ, हॉर्टिकल्चर से GRF कर रहा हूँ। मैंने यूपी कैडेट का जब फॉर्म अप्लाई किया था तब से मैंने अपना यूपी कैडेट के लिए तैयारी करना शुरू किया। तो मैंने GRF की पढ़ाई करते समय डेली अपना जो सुबह का मॉर्निंग टाइम होता था उस समय मैं एक दो घंटे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर लेता था। उसमें मैंने अपना जो बेसिक बुक था, ये आप लोग जानते ही होंगे, ये नेमरा सुंडा जो बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक सब कोई जानता होगा इसके बुक बारे। इसे जो है ना, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ब्रह्मास्त्र है, ये बेसिक बुक है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो मैंने कंटिन्यू डेली, कभी यानी एक दिन भी गैप नहीं किया, डेली इसको मैंने यानी पढ़ाई किया इसका। और मैं जो आगे बढ़ता जाता था, पढ़ाई करते जाता था, और पीछे भी रिवाइज करता था, डेली रिवाइज भी करता था और आगे बढ़ता जाता था। कहते हैं ना कि रिवीजन या डिवीजन, या तो सेम चीज़ था, आगे पढ़ता जाता था, पीछे का रिवाइज करता था जाता था। तो इसी प्रकार मैंने ये बुक को पूरी तरह अच्छे से पूरा याद किया, तो जाके मैं ये रैंक जो है सिक्योर कर पाया। और जो संदीप जी ने बताया तो कैसे कैसे मैनेज किया है इन्होंने, कि थोड़ा जो है एक दो घंटे निकाल कर इसका जनरल एग्रीकल्चर कोर्स में पढ़े हैं, बाकी अपना जो GRF की प्रिपरेशन करते रहे हैं। तो आप ये बताइए सर कि कैसे कैसे कौन कौन सी बुकें आपने फॉलो की हैं, कि खाली नेमरा सुंडा से आपका काम चल गया, कि इसके अलावा जैसे जनरल और भी होते हैं, ब्रीडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि इसमें सुंडा में नहीं होता है, तो ये सब कहाँ से पढ़े, कोई नोट्स थे आपके पास, कैसे बनाए थे कुछ? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जैसे बायोटेक्नोलॉजी नेमरा सुंडा में नहीं दिया है, तो ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो नेमरा सुंडा में नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं जो अपने UG के दौरान जो सब्जेक्ट कई कोर्स में हमारे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी था, ऐसे सब्जेक्ट थे जो मैंने UG में बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ा था, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो और जब मैं GRF की तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें हमें, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ग्लास्टर्स बुक है, जो ग्लास्टर हॉर्टिकल्चर है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी दिया है, GP भी दिया है, ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो उसमें से जो बेसिक चीज़ था, इसमें सब बेसिक दिया है ना, मतलब ओवरऑल, मतलब जी डिटेल में नहीं, वन लाइनर होता है ना इसमें। हाँ, जो इसमें बेसिक चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि आपको इसमें जीन से क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये हमें, ये इस बुक से मैं जो पढ़ा था उससे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन उससे हमें मिल गए थे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। और जैसे कुछ हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन जो थे, तो हमारा हॉर्टिकल्चर पूरा इसी से कवर हो गया था। सर, यूपी कैडेट में MSc के लिए जो क्वेश्चन आया था एंट्रेंस का, तो उसमें जो GRF लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे आपको पूछ लिया था गुआवा की वेराइटी थी एक बिहार कोकोनट, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और जैसे कार्नेशन की मैच्योरिटी पूछ लिया था, जैसा कि फ्लोरिकल्चर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा फ्लावरिंग ट्री है वो लीफलेस कंडीशन में फ्लावरिंग आता है, तो अमलतास था, कैसिया फिस्टुला, तो ऑप्शन था जो यानी अच्छा फ्लोरिकल्चर से ही क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो हमारे हेल्पफुल हुए थे हम GRF। और मेरे
मेरे को सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मिला मेरे नोट्स से, जो मैंने यूजी के दौरान नोट्स बनाए हुए थे, मैंने उसको रिवाइज किया अच्छे से और उसको पढ़ा। जैसे कि आपने बताया कि ये बुकें आपने फॉलो की हैं, तो इसके साथ खाली आप लोग जो है बुकें भी फॉलो की हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते थे साथ साथ? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डेली सुबह जब पढ़ता था और मैं शाम को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था, उसमें जो क्वेश्चन मुझे मिलते थे वो बहुत हेल्पफुल थे। जैसे मैं जो नेमराज सुंडा का क्वेश्चन पढ़ता था और वही शाम को टेस्ट में देता था, तो इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जैसे यानी सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। देखो जो कि बहुत हेल्पफुल था, सोशल मीडिया का अगर सही यूज किया जाए तो अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे अब ग्रुप बन गए हैं उस पर, टेलीग्राम पे हैं तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट उसमें ज्वाइन होते हैं, वहाँ पर अच्छी सी पूजें चलती हैं, इंस्टाग्राम पर पेज पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अगर सही यूज किया जाए तो उसका बेनिफिट भी है। जी हाँ, उसका आपने भरपूर लाभ उठाया है। हाँ, ये सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मैंने जैसे यानी डेली शाम को एग्री अनुज सर का खुद का चैनल है, उससे मैंने जीएस हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, इनके यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई किया था, उससे काफ़ी क्वेश्चन हमें मिल गए थे, जो मेरे लिए लास्ट टेन डेज में मैंने केवल रिवाइज ही किया, और जो मैंने अपना ये नेमराज सुंडा बुक पढ़ा हुआ था तो मैंने इसमें बस केवल रिवाइज किया, और इस दौरान 10 दिन के दौरान मैंने अपना JRF हॉर्टिकल्चर का जो था वो पढ़ाई करना बंद कर दिया था, केवल मैं अपना टेस्ट देता था और अपना रिवाइज करता था नेमराज सुंडा बुक, और मैं जो नोट्स बनाया था यूजी के दौरान वो भी रिवाइज करता था। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैं JRF हॉर्टिकल्चर की तैयारी करते हुए यूपी कैटेट में इस प्रकार पढ़ाई करके ये रैंक लाया हूँ। तो थैंक्स संदीप जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे दिया, और जैसे कि आपको पता ही है कि संदीप जी जो है JRF हॉर्टिकल्चर की तैयारी करते हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही टफ होती है, और उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए अगेन धन्यवाद। और जो है कि आप लोगों का यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसी प्रकार से और भी इंटरव्यू की आपको वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जल्द ही कोशिश करेंगे और से इसी प्रकार से और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके।